आज हम इसमें आपके साथ शेयर करने वाले कोकोनट कुकीज किस तरह से तैयार किए जाते हैं वो भी बिल्कुल टेस्टी, और आज हम इस रेसिपी ओवन में बनाने वाले वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलो इनको बनाना भी शुरू करते हैं। तो कोकोनट कुकीज़ बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे 1 कप मैदा, 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट, 3/4 कप पीसी हुई चीनी, 1/2 कप बटर, 3/4 चम्मच दूध, 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच नमक। तो चलिए अब हम कुकीज़ के लिए आटा तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए अब हम सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें डालेंगे हम सबसे पहले बटर। अब हमें इसको अच्छे से व्हिप्स करना है, तो आप इसलिए व्हिप्स का भी मदद ले सकते हैं, पर आज हम इसे हैंड ग्राइंडर से इसको व्हिप्स कर लेते हैं। तो इसको अच्छे से व्हिप्स करना है 1 मिनट तक, जब तक ये अच्छे से फटी ना हो जाए। तो लीजिए अब हमने इसको 1 मिनट अच्छे से बीट कर लिया है, तो आप देख रहे हैं इसका कलर हल्का सा चेंज हो चुका है। तो अब हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं थोड़ा। तो अभी मैंने बटर को इकट्ठा कर लिया है, तो अब हम डालेंगे इसमें पाउडर चीनी। अब हम इसे भी अच्छे से बीट कर लेते हैं जब तक कि अच्छे से फ्लफी ना हो जाए। अब हम इसे अच्छे से इकट्ठा कर लेते हैं और फिर से इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। अब आप देख रहे हैं अच्छे से फ्लफी हो चुका है, तो हम डालेंगे इसमें डेसिकेटेड कोकोनट। इसके बाद अब हम डालेंगे इसमें मैदा, तो मैदा का हम इसी नहीं डालेंगे। अब हम सबसे पहले छन्नी को ले लेते हैं, तब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। और साथ में जाएगा इसमें बेकिंग पाउडर और नमक। और हाँ, आपका बटर सॉल्टेड हो तो आप नमक को स्किप भी कर सकते हैं। तो अब हम इसे छान लेते हैं। इस तरह छानने से इसमें लम्स वगैरह कुछ भी नहीं रहते। अब हम इसे हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह मिक्स करने से जब हमारे कुकीज तैयार हो गए वो अच्छे से खस्ता बनेंगे। मैंने अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो अब हम इसका आटा तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें 2-3 चम्मच दूध ऐड करेंगे और अब हम इसको मिक्स करते हुए कुकीज का आटा तैयार कर लेते हैं। अब हमारा कुकीज का आटा तैयार हो चुका है, तो हम इसके लिए ट्रे तैयार कर लेते हैं। तो हम अब इसको साइड में रखते हैं। तो आज हमें कुकीज ओवन में बनाने हैं, इसलिए हम बेकिंग प्लेट ले लेते हैं और इसको हम घी से अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा मैदा छिड़क देते हैं।
तो अब हमारी प्लेट तैयार है, तो हम अभी कुकीज़ तैयार कर लेते हैं। उसके लिए अब हम आटा लेंगे और अब हम चम्मच की मदद से इसमें से थोड़ा सा पोर्शन ले लेते हैं ताकि सारे कुकीज़ हमारे एक जैसे बने। अब हम इसको दोनों हाथ से गोल गोल घुमाते हुए राउंड शेप देते हैं। सबसे पहले और इसके बाद हम इसको हल्का सा प्रेस कर देते हैं ताकि इसको कुकीज़ का शेप आ जाए। तो लीजिए अब हमारा कुकीज़ तैयार है। तो अब हम इसको डेसिकेटेड कोकोनट में अच्छे से कोट कर लेते हैं। उसके लिए अब मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है और अब हम कुकीज़ को ऊपर से हल्का से इससे गार्निश कर देते हैं ताकि कुकीज़ और भी सुंदर दिखे। तो अब मैंने इसको अच्छे से गार्निश कर दिया है, तो अब हम इसको बेकिंग प्लेट में रख देते हैं और इसी तरह हम सारे कुकीज़ तैयार कर लेंगे। लीजिए अब मैंने कुकीज़ तैयार कर लिए, तो अब हम इसको 15-20 मिनट फ्रीज में सेट होने के लिए रख देंगे ताकि जब हम इसको बेक करें तब ये फ्लैट ना बने। अब 20 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से सेट हो चुके हैं, तो अब हम इसको बेक होने के लिए ओवन में रख देते हैं। तो मैंने ओवन को पहले ही प्री हीट कर लिया था 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए, तो अब हम इसको ओवन में रख देंगे। और इसके अंदर हम कुकीज़ की प्लेट रख देंगे। तो सबसे पहले मैंने छोटा वाला रैक रखा है और इसके ऊपर हम ये प्लेट रख देते हैं। और अब हम ओवन को कन्वेक्शन मोड पे 150 डिग्री पे 15 मिनट के लिए सेट कर लेंगे। अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। अब 15 मिनट हो चुके, टाइम भी अभी एंड हो चुका है, तो हम अभी ओवन को खोल लेते हैं। वाव, मस्त बढ़िया सी खुशबू आ रही है कुकीज़ की। तो अब हम कुकीज़ की प्लेट बाहर निकाल लेते हैं। तो लीजिए अब हमारे कुकीज़ तैयार हो चुके हैं। तो ऊपर से अभी ये थोड़े से नरम ही लग रहे हैं, पर ये ठंडे होने के बाद अच्छे से सेट हो जाते हैं। तो हम अभी इसको सेट होने देंगे तभी हम इसको सर्व करेंगे। वाव सुपर। तो लीजिए अब हमारे कोकोनट कुकीज़ तैयार हो चुके हैं। तो वाकई दिखने बहुत सुंदर लग रहे हैं ना, ऊपर से गोल्डन नीचे से ब्राउन। तो मैं आपको एक तोड़ के भी बताती हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं अंदर से भी एक बिल्कुल खस्ता बने, तो ये खाने में भी बहुत टेस्टी होगी। तो आप कैसी लगी इनकी रेसिपी, अच्छी लगी होगी तो आप भी इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे रेसिपी को ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।